ये थे ऑटोमेटिक हब, अगर मैनुअल होते फिर भी थोड़ी बात होती। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। और आज हम आ गए हैं ऑफ रोड के लिए। आज संडे नहीं है, बट सीन क्या है कि हमें काफी देर हो गई थी गाड़ी लिए हुए। छोटा मोटा तो ऑब्स्टेकल हमने कर लिया था, बट अपने भाइयों के साथ मैंने कोई अभी तक ऑफ रोड नहीं किया इस पे। तो फाइनली ऋषभ भैया को कॉल किया हुआ था। ऋषभ भैया ने आज मुझे कॉल किया खुद कि चलो चलते हैं, आज फ्री हूँ मैं। कल के लिए बोला था तो कल फ्री नहीं थे भैया, तो उसी चक्कर में आज का हो गया है प्लान डन। तो अभी तो मेरे पीछे सुमन्यु भाई हैं सिर्फ, ऋषभ भैया आ रहे हैं, तो एक और गाड़ी आएगी शायद, राजवीर भाई भी आ जाएंगे गाड़ी लेके। सो लेट्स सी। ओहो, हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बस अब यहाँ पे ऋषभ भैया का वेट करना है। ऋषभ भैया का वेट करते हैं और फिर नेक्स्ट आपको सीन सिखाते हैं। काफ़ी खतरनाक होने वाला आज का ऑफ रोड, एक खतरनाक कंपैरिजन है भाई, और काफ़ी खतरनाक भी होने वाला अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि अभी ये फुल्ली प्रिपेयर नहीं है, बट अभी आज ही पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हमें अभी काम करवाने वाला बाकी है। सो लेट्स सी, पहले मिल लेते हैं सबसे। तो फाइनली सारे पहुंच गए हैं। ऋषभ भैया देखो वो आगे जा रहे हैं, तो वो देखो, और यहाँ पे सीन बन गया, शीशा अटक गया यार। आगे जाके करें, ऋषभ भैया इसमें माहिर है भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा। देखो आपने कहा ऋषभ भैया का अटकता, शीशा बोला मैंने यार। आज मिट्टी खाएंगे सही में, आज मिट्टी खानी पड़ेगी क्योंकि शीशा नहीं चला है। तो लेट्स सी बाकी के सीन्स आपको आगे जाके दिखाते हैं। हमारी गाड़ी ने कर लिया ये ऑब्स्टेकल, अब सुमन्यु ये ऑब्स्टेकल करेगा। वो ये क्या चक्कर है, ये पर्दा लगा रहे हैं क्योंकि शीशा इनका ख़राब हो चुका है, सेंटर लॉकिंग का इशू हो गया, मिरर ऊपर नहीं हो रहा, और इसलिए कवर कर रहा है मिरर वाले एरिया को ताकि पानी अंदर ना आए। बाकी ये हमारे साथ आए हैं चोपर साहब। चोपर साहब की गाड़ी फ्री नहीं थी तो हमने कहा चोपर साहब को उठा लेते हैं। सही बात, आज इन्होंने मेरे को किडनैप कर लिया है। नहीं अच्छा तो है यार, ऐसे बंदे हम वक्त का एक किडनैप कर लेना, साल की इनकम हो जाती है अपनी पूरी। आ गई इतना सस्ता है, ये आ गई हमारे सुमन्यु की गाड़ी। सफारी 4x4 अक्षय की करेगी परफॉर्म, लेट्स सी। टायर इशू है, ये नहीं चढ़ेगी ऊपर, मुझे लग रहा है। लो लो लो, ये यहाँ फंस जाएगी। मोमेंटम, वो टायर ही नहीं स्पिन कर रहा, एक मिनट। टायर आराम के चक्कर में गाड़ी वहाँ पे फंस चुकी है अभी। ट्राई पीछे कर, पीछे करना दोनों साइड, पीछे कर, ओए निकले, और रेस नहीं छोड़, रेस नहीं छोड़। इसी के साथ सफारी यहाँ पे फंस गई। अच्छे तो हो गया, अब थार सी आरडी निकालेंगे इसको। अच्छे तो ये वाली रूबिक, मिनी रूबिकॉन, मिनी रूबिकॉन। अभी 700 आएगी यहाँ, पिछली बार हमारी पर्ची ना वहाँ पर ट्रैक्टर बुला रहे हैं। ब्लॉग देखते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, माना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग देखते भाई देख लो उसको यार। 4000 चले तो भाई ये सीन है, गाड़ी स्टक हुई है और राजवीर भाई ने स्टक किया। नहीं यार मेरे से हुई है, सीन क्या है कि इसके टायर बड़े ज़्यादा, वो मतलब ख़त्म ही मान लो आप एक टाइम से, और गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी है तो टायर की इसको बहुत ज़्यादा नीड है, ये चीज़ तो मुझे अभी समझ आ गई। बट टायर मैंने खुद ही नहीं इसके चेंज करवाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि रीज़न यही है कि अभी एक बार हम देख लेना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसको ज़रूरत है। भैया 2 लाख बहुत चल गई है ये क्या गंदे काम यार, जहाँ खेतर देखे वहीं पर शुरू हो जाते हो। घर पे बाथरूम नहीं है वहाँ, इतनी आसानी से थोड़ी खेतर मिलता है। ये देखो निकलती है ये कार ओनर्स। सो आते ही होगी स्टक, ये देखो चारों टायर घूम रहे हैं, और सीन ये है कि ये टायरों में इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं है। रुक जाओ,
इतना खुश है ये आदमी नहीं यार, पर जो भी है अभी थोड़ी गाड़ी पीछे करते हैं अपनी, तो उसको फिर रिकवर करते हैं। ऐसे में बड़ी क्लोज आ गई हुई थी, बस बहुत है बहुत है। मैंने बोला आपको बस अब आ ही गई है, वैसे भी बेंच की इतनी जरूरत है। हो गई है रिकवर, अब हम विंच जल्दी से बांध के आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाकी के सीन्स आगे जाके दिखाते हैं आपको। तो अभी अक्षय को बोला है साइड से ले आए, थोड़ा टायर का भी इशू है और ऑटोमेटिक हब है। चलो आराम से, एक बार इसमें टायर डल गया ना, टायर अपग्रेड हो गया ना, तो बहुत फर्क पड़ता है टायर अपग्रेड से भी। अच्छा आप ये देख सकते हो ये कितनी बड़ी टक्की है, बट वीडियो में इतनी दिख नहीं रही है, बट अगर आप ऐसे देखोगे पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कितनी बड़ी टक्की है ये। तो ऋषभ भाई देख रहे हैं भी आगे जाके कि आगे क्या सीन है। थोड़ा मुश्किल है यहाँ से ऊपर जाना, बट चढ़ जाएगी आराम से, एक दो ट्राई लगेंगे बट, क्योंकि ये पत्थर थे ना। ये इसका बस यही है भैया, ट्रैक बना देते यार। ये मिनी रूबी कौन है भैया, V6 इंजन है इसमें। पीछे से बोला ना फंस गई फंस गई फंस गई। ओ गाइस ये क्या हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टक्के फंस गई थी ये। ये ट्रैक बना रहा है, ये देखो ये ट्रैक उठा रहे, देखो ब्रेक मार रहा है, ये बड़ी शातिर आइटम है ये। ऐसे देखो पूरा ट्रैक ही बना दिया ये। मैं कह रहा हूं तो आनी है, अब तो चढ़ ही जाएगी यार। ओह 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 ये आवाज आपने सुनी, टक गई, क्या बात। ओ यार से रे छोड़ दी थी, निकल जाएगी अभी आराम से। अभी सफारी एक सेकंड ट्राई मारेगी, चढ़ जाएगी सेकंड ट्राई, पहले ट्राई में से मोशन तोड़ दिया वो। हाँ ये तीन कर रहा है यार, ये सफारी है 4x4, क्या बात है।